हेलो माय फ्रेंड्स, वी ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको आपके पर्सनल अकाउंट्स को कैसे टैली के अंदर में मेंटेन करना है इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो आपको काम करना है वो आपकी एसेट्स जितनी भी हैं और आपकी लाइबिलिटीज़ हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। मैंने एक लिस्ट बनाने की यहाँ पर कोशिश की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट हैंड साइड में पूरी एसेट्स बनाया है। इसको थोड़ा सा मैंने ग्रुपिंग भी करने की कोशिश की है। हो सकता है इसमें आप कुछ और भी ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। अब इसमें पहला ग्रुप मैंने बनाया है आपकी एसेट्स, जो कि फिक्स एसेट्स रहेंगी। जैसे कि फ्रिज आपने ले लिया, वॉशिंग मशीन ले ली, टीवी ले लिया, इसका आप एक फेयर मार्केट वैल्यू को लेंगे। फर्नीचर को टोटल मिला के एक ले लेंगे कि आपका घर में टोटल कितना फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा, सबका अलग अलग लेके उसका वैल्यू यहाँ पर आप लिख लेंगे। आपके पास ज्वेलरी कितनी है, मोबाइल, अगर आपके पास में मोटरसाइकिल है तो उसका वैल्यू कितना है, आपके पास हाउस है उसका वैल्यू कितना है, और कार है तो उसका वैल्यू कितना है। वो सारी की सारी ये जो एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, आपके फिक्स एसेट्स के अंडर में आ जाएगी और उसका टोटल है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको पहले आप एक्सेल में ही बनाएंगे, मैं आपको ऐसे सजेस्ट करता हूँ। वो क्यों है वो आपको अभी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो आ जाएगा। जैसे कि अगर आप चिट फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो यहाँ पर उसका टोटल कर लीजिए। एक पर्टिकुलर डेट ले लीजिए, इस डेट को आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है चिट फंड में वीकली भी होता है और मंथली भी आप इन्वेस्ट करते हैं। उस पर्टिकुलर डेट तक आपने कितना इन्वेस्ट किया है विदाउट प्रॉफिट, उसको आप यहाँ पर डाल लीजिए। ऐसे ही आपने अगर फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है उसका टोटल डाल लीजिए, या फिर आप एक ग्रुप बना लीजिए इन्वेस्टमेंट के अंदर में, और उसके अंदर में अगर आपने एक से ज़्यादा बैंक में किया हुआ है तो हर एक फिक्स डिपॉजिट का अलग अलग लेजर बना लीजिए। आगे जब हम लेजर्स बनाएंगे तो वहाँ पर भी आप बना लीजिएगा। यहाँ पर तो आप एक आइडिया ले लीजिए कि आपका कितना कितना है, आपको अंदाज़ा आ जाएगा। ऐसे ही म्यूचुअल फ़ंड, तो म्यूचुअल फ़ंड का आप टोटल कितना बनता है आप लिख लीजिए, एक ग्रुप बना लीजिए इन्वेस्टमेंट के अंदर में, उसके अंदर में आपने अलग अलग म्यूचुअल फ़ंड में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका आप ले लीजिए यहाँ पर कि कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ऐसे ही फिक्स प्रोविडेंट फ़ंड में आपने कितना डिपॉजिट किया हुआ है, आपको अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपका हर महीने प्रोविडेंट फ़ंड डिडक्ट होता होगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, तो इसका आपको हिसाब किताब जरूर रखना चाहिए कि हर महीने आपका कितना डिडक्शन हो रही है, उतना ही शेयर आपका एम्प्लॉयर आपको डिडक्शन दे रहा है, क्योंकि ये आपका रिटायरमेंट बेनिफिट है, आपको पता होना चाहिए कि कितना है। तो आपको नहीं मालूम है तो आप पता कीजिए, आपको ऑनलाइन पता चल जाता है, आप गूगल करके देखिए, आपको तरीका पता चलेगा कि कैसे कैसे देखना है, या फिर अपने पर्टिकुलर एचआर डिपार्टमेंट से पता कीजिए कि कैसे कर सकते हैं। आपको पीएफ नंबर और मोबाइल नंबर वगैरह कुछ डाल के देखना है, आप चेक कर सकते हैं कि कैसे देखना है। उसके बाद में ये अमाउंट वहाँ पर डालिएगा। ऐसे ही एक पब्लिक प्रोविडेंट फ़ंड होता है, आगे जाके मैं एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी एक ट्यूटोरियल बनाऊँगा। अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फ़ंड में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो भी लिख सकते हैं, शेयर्स में आपने की हुई है वो भी आप लिख सकते हैं, और उसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से कीजिएगा। उसके बाद आपकी करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में अगर आपका टीडीएस कुछ डिडक्शन हुआ है, मेनली जो शॉर्ट टर्म आपकी जो डिपॉजिट्स हैं वो यहाँ पर आएंगी। मेरे हिसाब से टीडीएस ही आना चाहिए, क्योंकि और कुछ ऐसा है नहीं। और बाकी आपने डेटर्स अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ है वो पैसा या इस ग्रुप के अंदर में आ जाएगा, संडे डेटर्स के अंदर में, आपने राम श्याम, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है। आपको कैश कितना है आपके हाथ में, इन हैंड कितना है उस पर्टिकुलर डेट को, वो आ जाएगा। बैंक का आप लेजर चेक कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो उसको सबको यहाँ लिख के उसका बैंक अकाउंट लिखिए और टोटल आ जाएगा। अब आप एसेट साइड का टोटल कर लीजिएगा, ये आ जाएगा। इस टोटल को आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, उसके बाद में आप आ जाइए लायबिलिटी साइड में। तो एक कैपिटल को आप छोड़ दीजिएगा बिल्कुल, उसके बाद आइए लोन्स एंड लायबिलिटीज़ पे। अगर आपने किसी कोई होम लोन लिया हुआ है, कार लोन लिया हुआ है, वो सब लोन्स एंड लायबिलिटीज़ में आ जाएगा।
उसके बाद में आइएगा आप सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगर आपने किसी को लोन किसी से लोन लिया हुआ है, मतलब शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से लिया हुआ है, तो वो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर में आ जाएगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या कीजिएगा, कैपिटल आप में देखिए फार्मूला मैंने क्या लगाया हुआ है, जो ये अमाउंट आ रहा है इसमें से माइनस कीजिएगा जो इन सब का टोटल आ रहा है, जो बैलेंस बचेगा वो आपकी कैपिटल होगी। इसलिए मैंने कहा था कि आपको ये एक्सेल में बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा डबल एंट्री सिस्टम में लायबिलिटी साइड और एसेट साइड बराबर होता है, इसके लिए मैंने ये बनाया हुआ है। तो इस सब को आपको अपने मैंने आपको बताया हुआ है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाना है। आप सभी लेजर्स को टैली के अंदर में बना लेंगे। इसको बनाने के बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, उसको मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बनाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।